गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कैरा स्मूथ का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाली हूँ। मेनली ये दो तरह से किया जाता है और मेरे जैसे आप वीडियोस देखते होंगे उसमें मैं दोनों प्रोसेस फॉलो करती हूँ। तो किस सिचुएशन में आपको किस टाइप से आपको ये ट्रीटमेंट करना है वो आज आप कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। उससे पहले वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जो कैरा स्मूथ है उसका पहले या तो आप फुल फॉर्म समझ लीजिए, कैरेटिन प्लस स्मूदनिंग। अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसमें दो प्रोसेस फॉलो करेंगे। स्मूदनिंग की प्रोसेस कंप्लीट फॉलो कीजिए और उसके बाद आपको कैरेटिन ट्रीटमेंट देना है। अब आपका कहना होता है कि मैम आप दोनों प्रोसेस क्यों फॉलो करते हो, कई बार तो आप न्यूट्रलाइजर देते हो और कई बार आप न्यूट्रलाइजर नहीं देते हो। तो इसकी भी दो सिचुएशन हो सकती हैं कि हमें कब कब कैसे कैसे यूज़ करना है, न्यूट्रलाइजर को यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है। तो ये टोटली डिपेंड्स करता है हेयर की सिचुएशन में। पहला तो सिचुएशन ये हो सकता है कि आपके पास जो क्लाइंट आए स्मूदनिंग कराने के लिए, उसमें उसके जो हेयर टाइप है वो एक तो वर्जन है और बहुत ज़्यादा फ्रिजी नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, फ्रिजी नहीं है, बाउंसी नहीं है। उस टाइप की सिचुएशन में आप जो कैरा स्मूथ प्रोसेस करेंगे उसमें सबसे पहले आपको स्मूदनिंग करनी है। स्मूदनिंग की जो फर्स्ट क्रीम के बाद का जो प्रोसेस है, जब आप न्यूट्रलाइजर पे आते हैं उस जगह पे आप कैरेटिन कर सकते हैं और थर्ड डे वॉशिंग कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड सिचुएशन ये भी हो जाता है कि क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली है, बाउंसी है, तो वहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजर देना है। क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग जो प्रोसेस होता है वो है स्टेबिलिटी के लिए। हेयर की जो कंडीशन होती है उसमें जो स्टेबिलिटी आती है वो न्यूट्रलाइजर के वजह से ही आती है। तो आपको न्यूट्रलाइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट क्रीम के बाद सेकेंड क्रीम के बाद आपको कैरेटिन प्रोसेस आप चाहे सेम डे करिए या फिर थर्ड डे भी कर सकते हैं अगर आपको हेयर की सिचुएशन ऐसे लगता है। मैं बहुत सारे सिचुएशन फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैंने कैरा स्मूथ करना है तो मैं सेम डे ही कैरेटिन दे दूंगी। मैं थर्ड डे भी कैरेटिन देती हूँ और क्लाइंट्स को दो बार भी बुलाती हूँ कि आप थर्ड डे के बाद आएंगे तो मैं आपका कैरेटिन करूंगी और उसके बाद मैं थर्ड डे वॉशिंग करती हूँ। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। टोटली वर्क जो करना होता है आपको हेयर की कंडीशन समझ के करना होता है कि किस टाइप के, ताकि हेयर डैमेज, ड्राई, फ्रिजी ना हो जाए और आपका क्लाइंट मेंटेन रहे। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। अब क्या कहते हैं कि आप दूसरा जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है क्लाइंट्स बेस। क्लाइंट के बेसिस पे भी आपको काम करना होता है। लाइक आपका क्लाइंट आया और उसको जल्दी है, उसको है कि मेरा जो प्रोसेस है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाए और मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं हूँ 3-4 दिन में, तो भी उस टाइम पे भी आपको जो क्लाइंट को सजेस्ट करना है प्रोसेस वो हेयर की कंडीशन के हिसाब से देना है। लाइक हेयर वर्जन है और सही कंडीशन में है, ओनली फ्रिजनेस वगैरह हटानी है और हेयर को रिपेयर करना है, तो आप कैरा स्मूथ जो प्रोसेस करेंगे उसमें कैरेटिन सेम डे दे सकते हैं, न्यूट्रलाइजिंग जो प्रोसेस है वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे अगर क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड है, फ्रिजी है और आपको लग रहा है कि ड्राई डैमेज है, तो उस कंडीशन में आपको वो सजेशन नहीं देना है। उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करने हैं कि मैम अभी हम ये कंडीशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हेयर डैमेज करना हमारे प्रोसेस में नहीं आता है, हमें कोई भी इस तरह की सजेशन नहीं देना होता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। करना आपको दोनों तरह से है, आप चाहे तो न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस कीजिए चाहे ना कीजिए, स्टेबिलिटी दोनों में आएगी, दोनों में ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन हर चीज़ जो किया जाता है वो हेयर की कंडीशन के हिसाब से, हेयर की कंडीशन समझ के आपको प्रोसेस करना है। और इस तरह से मैं दोनों प्रोसेस करती हूँ। वीडियोस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको दोनों प्रोसेस देखना है कि कैरा स्मूथ कैसे कैसे किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिएगा। और आपके अक्सर ये कमेंट्स आते हैं तो ये है उसका आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा और दोनों प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। जिन जिन लोगों ने ये दोनों प्रोसेस किया हुआ है और यस रिजल्ट आया है, स्टेबिलिटी आई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं न्यू वीडियोस में, कुछ नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स पे वीडियोस ज़रूर बनाऊँ।
थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियोज में, बाय बाय।